आज की 20 बड़ी खबरें जानने का। इस्तीफे पर बोली प्रियंका गांधी, राहुल ने हिम्मत दिखाई, फैसले का दिल से सम्मान। योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, कुंभ की तर्ज पर हो कांवड़ यात्रा की तैयारी। डीएमके में सनराइज यूथ विंग के सचिव होंगे स्टालिन के बेटे उदयनिधि। शिवसेना ने दिया बड़ा बयान, कहा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं कश्मीर के असली दुश्मन। आरएसएस मानहानि मामले में आज मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। अहमदाबाद में सुबह 4 बजे भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचे अमित शाह, पत्नी संग की मंगल आरती। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पहला जत्था 12 जुलाई को रवाना करेंगे अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, सीएम रूपाणी ने किया रवाना। आज पेश होगा आर्थिक सर्वे, अर्थव्यवस्था की सेहत का चलेगा पता। पाकिस्तान में हाफिज सईद पर कार्रवाई, भारत बोला पहले भी हो चुका है। पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, तैयारियां हो चुकी है पूरी। इसराइल में सड़क पर उतरे 20,000 इथियोपियाई मूल के लोग, किया आगजनी और प्रदर्शन। पिछली रात लगभग 9 घंटे तक दुनिया भर में फेसबुक व्हाट्सएप रहा डाउन, ट्विटर पर लोगों ने निकाली भड़ास। सी प्लेन के लिए एमओयू साइन करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, टिहरी झील से होगी शुरुआत। अध्यक्ष के चुनाव में नहीं होगा गांधी परिवार, सोनिया के साथ यूएस जाएंगे राहुल गांधी। जहरीली शराब पर योगी सरकार का बड़ा कदम, बिक्री पर लगेगा रासुका और गैंगस्टर एक्ट। वर्ल्ड कप के मैदान में इंग्लैंड से हारा न्यूजीलैंड, टेंशन में पाकिस्तानी फैंस। रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू को कहा कंगना की सस्ती कॉपी, अनुराग कश्यप ने दिया करारा जवाब। रणवीर सिंह ने दी मिजान जाफरी को सलाह, कहा हर फिल्म को जिंदगी और मौत की तरह लो। हाई सिक्योरिटी के बीच होगी सलमान और आलिया की फिल्म इंशाल्लाह की शूटिंग। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़ रही है न्यूज इंडिया के साथ, धन्यवाद।